चॉकलेटिया पछड़ा है, काफी लगाए हुआ भाई। ओ माय गॉड, तो दोस्तों ठंड ज्यादा है, हमें हो गई चाय पीने की तलब। तो रात के बजे 12, पर ठंड में अकेले हम क्यों मरे, इसलिए मैंने अपने दोस्त को ही बुलाया है, अभी आते ही होगा। उसके हम चलते हैं चाय पीने, एक ऐसी चाय दिखाएंगे आपको, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी अमेजिंग भी होती है चाय उनकी। अगर चाय नहीं और भी आइटम मिलते हैं, दिखाऊंगा आपको वीडियो। तो ये मेरा फ्रेंड आ गया है, चल भाई जल्दी कर, भाई जल्दी कर, जल्दी कर, चलते हैं। सन्नाटा है एकदम से, अभी एक गाड़ी गई 10 मिनट बाद। तो ये आ गए हम चांदमारी के रिंग रोड पे, और ये अपनी चाय की शॉप। तो यहाँ पे भैया उछाव उछाव चाय बना रहे हैं, इनका प्रोसेस जारी है, बट यहाँ पे ये एक नाम से बदलाव है, वो है अफीम का पानी मिलाते हैं अपनी चाय में। अब पता नहीं कितनी सच्चाई इसमें है। और इनके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा पूर्वे का, और उसका रेट भी है अलग अलग। आज देख सकते हो भैया, एक तरफ बन मस्का लगाने में मस्त है, दूसरी तरफ चाय देने का प्रोसेस एकदम जारी है, और भीड़ देख रहे हो, लग रहा है कि अभी सुबह के 9 बज रहे यार। आइए, इनका राजाओं वाला पूर्वा है, इसका प्राइस है 30 रुपीस, बट हमें इतना भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाय नहीं पीना है, तो हमने लगवाई अपनी ये क्यूट सी सुराही में चाय, और इसका जो रेट है 20 रुपया है। तो हमारी चाय रेडी हो गई है, और देखने में क्या बढ़िया लुक आ रहा है, देख के ही भैया एकदम मज़ा आ गया। मेरी आ गई एकदम गर्मा गर्म चाय, इसलिए इसको अफीम चाय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चाय पीता है एक बार उसका मन नहीं माता, दुआ जो लेता है, और अक्सर आते भी यहाँ पे लोग। आपको दिखा देता हूँ मैं कि 12 बजे रात को भी इतनी भीड़ है यहाँ पे भाई। हम अपनी चाय चुस्की तब से लेते हैं, मज़ा आ गया। तो सर चाय तो पी रहे, लेकिन इसमें कुछ कमी है, वो है बन मस्के की। इनका बन मस्का भी काफ़ी अमेजिंग है, तो हम पहले बन मस्का लगवाते हैं, अपनी चाय को रखते हैं किनारे। तो भैया ने हमारे निकाल दिया एकदम फ्रेश बन, और इसको करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड, और उसके बाद हल्की सी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से सिक जाए, और जैसे ही ये सिक जाएगी हमारी बन, इस पर लगाएंगे होममेड बटर, जो घर में खुद ये बनाते हैं, और ढेर सारी क्वांटिटी में बटर लगा दिए हैं। उसके बाद इस पर हल्का सा बटर लगा के फिर सेकेंगे ताकि जो बटर इनका है वो अच्छे से टिगल जाए। उसके बाद इसको करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड, और इस पर लगाएंगे हल्का सा नमक ताकि टेस्ट और भी बढ़ जाए। आइए, मेरा बन मस्का तैयार हो गया है। हमारा ये आ गया बन मक्खन, आप देख सकते हो मक्खन की क्वांटिटी काफ़ी लगाया हुआ है भाई। ओ माय गॉड, ओहो, तो इनका होममेड मक्खन है, तो हम टेस्ट करते हैं। अमूल मक्खन फेल है भाई, इनकी चाय। और यहाँ भी ये छोटी पूर्वे में भी चाय मिलती है, और इनके क्या आपको पान और सिगरेट ये सब भी मिलने वाला है। ये अंदर का लुक आपको दिखा रहे हैं, लोग मस्त इंजॉय कर रहे हैं, चाचा अंकल जी टाइप जितने सब यहाँ पे आते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, और भीड़ आप देख सकते हो कि कम एकदम नहीं होने वाली है। और ये इनकी जो पुरवा लगी हुई है, इसमें देते हैं रबड़ी या फिर लस्सी, आप देख सकते हो सजी हुई लस्सी रखी हुई है यहाँ पे, इनका छीना है। क्या भाई ठंड चली गई ना, चाय जब जाएगी पेड़ ठंड अच्छी सी भाग जाएगी भाई यहाँ के चाय से। तो दोस्तों इनका जो जनरल था वो चाय और बन मस्का था, वो मैंने आपको दिखा दिया, और उसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता दिया। तो इनकी शॉप आप जब भी आओ, रात के 12-1-2 बजे इनकी शॉप हमेशा खुली मिलेगी, आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा ही लिए होगा कि भाई इनकी शॉप कितनी चलती है, कितनी फेमस इनकी शॉप है। इनके शॉप पे बहुत सी वैरायटी मिलती है आपको, लस्सी मिल जाएगी, जामुन मिल जाएगा, मलाई कोफ्ता मिल जाएगा, आपको हर चीज़ मिलने वाला है, बस आप विज़िट करो आप देख सकते हो आप। लेकिन अगर आप कभी यहाँ पर आए हो और चाय वगैरह पियो, आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर ख़राब लगी वही बताइएगा, लेकिन ख़राब होता सवाल ही नहीं उठता। तो इनका जो एड्रेस है वो चांदमारी रोड ओवर ब्रिज के नीचे आपको मिल जाना, रिंग रोड पे इनका शॉप है, आपको मैंने पूरा एड्रेस बता दिया, कभी भी आओ आप देख सकते हो आगे। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हो, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।